नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौट में सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसई जगदीशपुर निवासी राजेश पुत्र केशव दयाल गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया। वजह पूछने पर पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर गांव के ही दीप सिंह व दिगंबर सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह जबरिया कब्जा कर रहे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। पीड़ित द्वारा बताया गया कि इस मामले में इतने सौरी थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर पीड़ित अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उधर सपा नेत्री शशिमा सिंह दोहरे भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का आश्वासन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता शिबू सैनी ने सपा नेत्री से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि इस मामले पर सपा नेत्री का क्या कहना है। कन्नौज से शिबू सैनी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में जहां कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है हमारी जमीन पर दबंगन लोगों ने कब्जा कर लिया है। 11 वर्षों कही जा रही है, अभी तक कई अधिकारियों की चौखट खटखटा चुके हैं। जब वो आखिरी बार सुषमा सिंह सपा नेत्री हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा हम उन्हें चलो अधिकारियों से मिलाएंगे, कुछ न्याय दिलाएंगे। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। आप किस लिए धरने पर बैठे हैं? आपके हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी ज़मीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वो ज़मीन को हम 4 बार देते हैं अधिकारी के पास, सबके पास अधिकारी के पास जा चुके हैं। डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, एसपी के पास गए हम, और सब थाना दिवस में हम गए हैं, तहसील दिवस में हम गए हैं। 3-3 बार हमने दिया है, हमसे यह बोला कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा। और 1.5 साल हो गई, हम सबसे परेशान हैं। तो अभी तक अधिकारियों ने तुमसे कई बार कहा हो जाएगा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ पुलिस भेज जाते हैं, लेखपाल भी गया और पुलिस वाले गए हैं, तो उन्होंने जाके कि महंगी ज़मीन है, कुछ हमको पैसे दो तो हम तुम्हारा निपटारा करेंगे, जाके हमसे जाके कहीं पैसे दो तो तुम्हारा निपटारा हो पाएगा, ऐसे बिना पैसे नहीं निपटारा हो पाएगा। और उन लोगों के पास पैसे आए तो वो पैसे दे देते हैं, तो उनका काम चालू होता हो जाता है। तो कई बिस्वा ज़मीन होगी आपकी? ज़मीन है हमारी 11 बिस्वा ज़मीन कम घेरे हैं, 11 बिस्वा ज़मीन। कौन लोग घेरे हैं? हम ठाकुर लोग घेरे हैं, दीप सिंह हरिंद सिंह के लड़के दीप सिंह। आज आपका क्या प्रोग्राम है, यहाँ पर बैठे हैं आप? आज तो हम यहाँ पर प्लान दे देंगे, अगर हमारा साहब नहीं, एसपी साहब नहीं लिखवाएंगे, डीएम साहब नहीं जाएंगे तो हमारे पास, तो हमारी आज हम तो यहीं प्लान दे देंगे। मेरी अम्मा बुजुर्ग हैं, 85-86 साल की हैं, वो घर पर अकेले, हमारा कोई परिवार में मेरा कोई है नहीं और गाँव में कोई कवैया नहीं है, पूरा टोटल ठाकुर का काम। आइए जी, सुषमा सिंह भी मौजूद हमारे साथ में, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत पहले से ये चाचा यहाँ पर परेशान थे। आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये दिव्यांग हैं कि इनको यहाँ आने में भी कितनी समस्या होती होगी। सौरिक से ही आते हैं और मैंने पूरी तरीके से इनकी मदद करने की कोशिश की, और मैं डीएम साहब के पास यहाँ पर 2 बार आ चुकी हूँ, मदद की गुहार भी लगाई। हर बार मुझे यहाँ भी आश्वासन दिया गया कि इनकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी, और इनकी मदद के लिए मैं गई हूँ यहाँ पर, कप्तान साहब के पास भी गई हूँ। एसपी साहब ने भी मेरे से यही बोला था कि ठीक है, आप थाना दिवस या तहसील दिवस पर पहुँचिए, हम मौजूद मिलेंगे, परंतु वहाँ भी इनका कोई काम नहीं हुआ है। और आज ये दोबारा से मदद के लिए आए हैं कि अगर यहाँ से आज इनकी समस्या का कोई आज इनको आश्वासन नहीं चाहिए, अगर आज इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।